अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम फैसल खान स्पीकिंग फ्रॉम स्पीरी कॉलेज कानपुर। टुडे वील स्टार्ट आवर लेसन नंबर 14 फ्रॉम पेज 88। वन ऑफ द सेल्समैन केम, एक सेल्समैन आया। गुड इवनिंग सर, शाम का सलाम जनाब। ही सेड, कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नो थैंक यू, यंग मैन सेड विद एन एयर ऑफ इंडिफरेंस। उस नौजवान ने बेपरवाही से कहा कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिफरेंस मीन डिसइंटरेस्ट, disregard or unconcern. Then suddenly, as if remembering something, he called out. फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वो पुकार उठा। Oh yes, could you let me have a list of this month's gramophone records? हाँ, क्या आप मुझे इस माह के ग्रैमोफोन रिकॉर्ड्स की लिस्ट दे सकते हैं? He slipped the list into one of the pockets of his overcoat and resumed his promenade. उसने अपने ओवरकोट की जेब में उस लिस्ट को रख लिया और दोबारा मार रोड पर अपनी चाल करनी शुरू कर दी। रिज्यूम मीन रिकमेंस, रिस्टार्ट, अपनी चहलकदमी, स्ट्रोल। ही स्टॉप्ड नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉप। वो अगले बुक स्टॉल पर रुक गया। He picked up one or two magazines and after a hurried glance at the contents carefully replaced them. उसने एक या दो मैगजीन उठाए और जल्दी से उन पर नजर डाली। ग्लैंस में पीक, पीप और ब्रीफ लुक, एक नजर डाली। एट द कंटेंट्स, उनकी फरिश्त पर। कंटेंट्स भी सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक्स, केयरफुली रिप्लेस देम, बड़ी एहतियात से उनको वापस रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, चंद गज आगे, चंद कदम आगे, a large Persian carpet which was hanging outside a shop attracted his attention. एक बहुत बड़ा ईरानी कारपेट जो कि एक दुकान के बाहर लटक रहा था, उसकी तवज्जो की मरकज बना। The owner of the shop, दुकान का जो मालिक था, wearing a long robe, उसने लंबा चोला पहना हुआ था, लिबादा पहना हुआ था। रोबी क्लॉक, कफ्तान, केप और रैप, कास्ट्यूम और रिगालिया, लंबा चोला पहना हुआ था, सिल्क टर्बन और सिल्क की पगड़ी पहनी हुई थी। ग्रीटेड हिम वार्मली, बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। ग्रीटेड मी, से हेलो, आई जस्ट वांटेड टू सी दिस कार्पेट, द यंग मैन सेड टू द कार्पेट डीलर। कार्पेट डीलर से उस नौजवान ने कहा कि मैं सिर्फ ये कार्पेट देखना चाहता था। विद प्लेजर, बड़ी खुशी से जनाब। ओह, डोंट बोदर to take it down,
नीचे उतारने की से जहमत ना करें। बोधमी बजन चौबल जहमत ना करें आप उसको नीचे उतारने की। आई कैन सी क्वाइट वेल एज इट इज, मैं इसको इधर से ही अच्छी तरह देख सकता हूं। हाउ मच इज इट, कितने का है? 1432 रुपीज सर, 1432 रुपए का है इसका। द यंग मैन फ्रॉन्ट एज इफ इट सजेस्ट आउट सो मच। नौजवान ने थ्योरी चढ़ाई, माथे पर बल डाले। फ्रॉम मींस काउ, ग्लाव और ग्लेयर, माथे पर शिकन डाले, थ्योरी चढ़ाई। ऐसे तासर दिया, सजेस्ट मी इंडिकेट, तासर देना, ऐसे तासर दिया कि जिस तरह कह रहा हो ओ सो मच, बहुत ज्यादा कीमत है। यू हैव ओनली जस्ट लेट सर, सेड द कारपेट डीलर एमियबली। कारपेट डीलर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, जनाब सिर्फ आप इसको मुंतखब कर ले, सिलेक्ट कर ले कौन सा लेना है, एंड विल रिड्यूस द प्राइस, और हम कीमत कम कर लेंगे, टू द मिनिमम, कलील से कलील कम कर लेंगे। मिनिमम मीन लीस्ट और मिनिमल। थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूविंगली। नौजवान ने मंजूरी देते हुए कहा, अप्रूविंग मी एंडोर्स और रिकमेंड करते हुए उसकी बात की मंजूरी देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अ फाइन कार्पेट इंडीड, यकीनन ये बहुत अच्छा कार्पेट है। आई कम अगेन सम टाइम, मैं फिर कभी आऊंगा। एंड ही वॉक्ड अवे, और वो चला गया। The cream color house which adorned the lap of the wizard gods had slipped. बदामी रंग का जो गुलाब का फूल उसने अपने ओवरकोट के कॉलर में सजाया हुआ था, adorned me, decorated, सजाया हुआ था, had slipped, वो थोड़ा सा फिसल गया। It was about to fall, और वो गिरने ही वाला था। He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. Adjust me, संवारना। उसने एक खास, एक अनोखे अंदाज से उसको संवारा। Smile of satisfaction, बड़ी इत्मीनान से। Satisfaction me, pleasure, gratification, बड़े इत्मीनान से उसको, अनोखे अंदाज से उसको संवारा। He was now walking along the pavement near the high courts. हाई कोर्ट के करीब फुटपाथ पे अब वो चल रहा था। He had been roaming about for quite a long time. Roaming mean ramble or tramp, घूमना फिरना, wandering for quite a long time. काफी देर से वो मार रोड पर घूम फिर रहा था। But his spirits were still high. लेकिन उसके जज्बात अभी भी बुलंद थे। Spirits mean vigor. Get up and go. He was neither tired nor bored. ना ही वो भी थका था, ना ही वो बोर हुआ था। At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down. मार रोड के इस हिस्से पर पैदल चलने वालों का हजूम कम पड़ गया था। Pedestrian means walkers, पैदल चलने वाले। And thin down में कमी हो गई थी, diminish, decrease. And there were quite long stretches of empty pavement. और वहां लंबे लंबे फासले थे, stretches का मतलब फासले थे, of empty pavement, खाली उस फुटपाथ के
बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के दरमियान काफी फासला बढ़ गया। द यंग मैन एज ही वेंट अलोंग ट्राइड टू स्विंग हिज केन, वो नौजवान जो ही चलता गया उसने अपनी छड़ी घुमाने की कोशिश की। स्पिन मीन ट्विस्ट और वर्ब, अपनी छड़ी को उंगली पर घुमाने की उसने कोशिश की। और वन फिंगर, एक उंगली के गिर, बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप इट, उस कोशिश में उसकी छड़ी नीचे गिर गई। ओह सॉरी।